भिंडी क्या भाव है भैया? उसकी भाव 30 की किलो भाई। 25 रुपए लगा लो, 3। नहीं 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 परोड़ता है। कहाँ से लेके आए? खेत से लेके आते हैं भाई। आपके खेत की है तो क्यों नहीं कम कर सकते हो भैया? नहीं परोड़ता है। आपके तो खुद की खेत की है, 2 रुपए दोगे तो चल जाएगा। आपका क्या लगा? 25 रुपए दे दो बस। काजू कड़ी? यस। कढ़ाई पनीर? यस। दाल मखनी? पनीर बटर मसाला? ठीक। शाही पनीर कर्ड? कितने रुपए हुए भाई जी? 3,950 रुपया। लियो 4,000। चलो। एक बात बताओ। हाँ। यहाँ पर जैसे हमने खाना खाया। हाँ। बिल 3,950 रुपए का हुआ, पूरे 4,000 रुपए दिए, 50 रुपए वापस क्यों नहीं लिए? लिए हुए हैं। प्रेस्टीज डाउन नहीं होती क्या? बुरे नहीं लगते क्या? अच्छा, प्रेस्टीज डाउन होती है क्या? अच्छा, ये बात है। मतलब इज्जत जाती है, बुरे लगते हैं। हाँ तो यहाँ 50 रुपए लेते हुए बुरे लगते हैं, और वहां सब्जी वाले को 5-5 रुपए कम करवाए, उसके पेट पर लात मारी, वहां पर 10 रुपए भी नहीं छोड़े। ऐसे सब जगह छोड़े नहीं जाते हैं। यहाँ तुम्हारे 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं थी, चाहिए ही नहीं थे इसको, जबरदस्ती 50 रुपए दिए, और 50 रुपया दे के भी उसके कोई एहसान नहीं था। लेकिन वहां पर उस गरीब आदमी को 10 रुपया देती ना, वो दिल से धन्यवाद देता, उसका परिवार आशीर्वाद देता तुमको। अच्छा, वहां पर तुमने दरमुलाई करवाई, वहां 5-5 रुपए कम करवाए, यहां जो सब्जी आई 180 रुपये की, 160 रुपये की, यहां कम नहीं करवाए? यहां तो नहीं बोला 180 वाले का 170 लगा लो, 160 वाले का 150 लगा लो? क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहां बोलने से वो हाथ पकड़ के बाहर निकाल देता, ये बड़े लोग हैं। वहां पर वो गरीब आदमी था जिसने बिल्कुल सही रेट लगाई, 5-5 रुपए कम करवा के सब्जी लेके आई तू। क्यों भाई? मतलब हम जो ये दादागिरी है, गरीब आदमी पर जाके क्यों मारते हैं, किसान पर क्यों मारते हैं? क्योंकि वो हमारा पेट पालता है। तुमने तो बोल दिया तुम्हारा क्या लगा, तुम्हारे तो घर की है। क्यों भाई, उसकी मेहनत नहीं लगती है? किसान होते ना, वो अपने छोटे बच्चों को जैसे पालते हैं ना, वैसे अपनी फसल को प्यार करते हैं, वैसे वो फसल को बड़ी करता है। उस फसल के साथ उसका खून, उसका पसीना, उसकी आशा, उसकी उम्मीदें, सब कुछ जुड़ी रहती हैं। तब जाके वो फसल काटता है, उसका प्यार मिला हुआ रहता है उस फसल में। शोरूम में गाड़ी लेने जाते हो, 5,25,585 रुपये की है, तो वो 85 रुपये भी तुम्हें देने पड़ेंगे। और किसान के पास अनाज लेने जाते हो तो 5-5 रुपये कम कराते हो उनसे। क्या मानसिकता है ये? जिंदगी की सबसे जरूरी चीज अनाज है, खाना है, गाड़ी नहीं है। गाड़ी एक मौके नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मरोगे भूखे। ये गाड़ी घोड़ा जेवर सब भूल जाओगे। सोना जरूरी नहीं, अनाज जरूरी है, सब्जी जरूरी है। आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं। क्यों? गन्ने के जूस की रेडी पर हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, 10 रुपए की जगह 12 रुपया लगा दिया, 2 रुपये में ऐसे तिल मिलाते हैं, जाने उसने कितने मांग लिए। वो मेहनत भी तो कितनी करता है, वो भी तो देखो, पूरे दिन खून पसीना एक करता है। ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं, 10 की जगह 12 रुपए रहता है, इतने में पारा ऊंचा चढ़ जाता है। भाई साहब 10 रुपए थे, 12 रुपए कैसे ले लिए? अरे ये गरीब आदमी जो छोटे मोटे, उनको तुम देखते हो तो जहां पर तुम्हारे ज्यादा लगते हैं वहां पर देखो ना। 2-4 रुपए ज्यादा किसी को दोगे तो आशीर्वाद लगेगा। कोई गाड़ी लेने जाते हो, वहां कभी बोला कि भाई साहब ये ज्यादा ले रहे हो? सोने की ज्वेलरी लेने जाते हो, वहां बोलते हो भाई जी ये ज्यादा लग रहा है? नहीं ना, आंख बंद करके देते हो, क्योंकि दादागिरी गरीब आदमी पर चलाते हो और सहन नहीं करते हैं। और ये सब सहनशील है, उनको अपना परिवार जैसे भी पालना है। जिंदगी की जो सबसे जरूरी चीजें है ना, जो जरूरी चीजें, वो हमें सबसे सस्ती मिलती है। क्यों पता है? इन्हीं किसानों की बदौलत। अगर किसान को यूं ही मारा गया ना, तो एक दिन पूरी दुनिया मरेगी। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ तुम्हें नहीं है, मैं उन सब को कह रहा हूं जो किसानों पर, गरीबों पर रोब झाड़ते हैं। उन सब को बोल रहा हूं, किसानों को और गरीबों को, इन्हें दबाओ मत, इनकी बदौलत ही हम चल रहे हैं। हमारे 2 रुपयों में कुछ नहीं बिगड़ता और उनका 2-2 रुपया करके परिवार पल जाएगा। ये बात सोचो, गरीब इंसान को कभी नहीं दबाना। रिक्वेस्ट प्लीज। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।